स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि हमें जो आज इंडिकेशन मिला था कि मार्केट क्यों डाउन रहेगा और डाटा बेसिस पे हमने क्या बात किया था, फिर हमने प्राइस एक्शन पे भी देखा था, मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया। तो चलिए हम सबसे पहले उस डाटा को देख लेते हैं कि ऐसा क्या डाटा में था जो हमें मार्केट हमें जो बैक टेस्टिंग जरूरी है कि हमारा एनालिसिस सही हो रहा है कि नहीं, उस डाटा को हम देख लेंगे, फिर हमें बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा लेवल क्या रहेगा। तो आप ये दो तारीख को देख सकते हैं कि हमारा जो क्या क्लाइंट है, ये देखिए लॉन्ग हो गए थे, इनका पोजीशन लॉन्ग हो गया था। अब देखें 2,34,000 इनका पोजीशन 3 लाख हो गया था। तो अभी मैं आपको डाटा इनिशियल में देखता हूँ उनका लॉन्ग पोजीशन कितना था। अब ये डाटा देख सकते हैं कि इनका 34,000 से सीधा 74,000 पोजीशन लॉन्ग हो गया था। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये फ्यूचर में कॉल लॉन्ग कर लिए थे, और जो इनका शॉर्ट का पोजीशन 15,000 से मात्र 39,000 था। यानी आप देखें तो रेट ऑफ चेंज 35,000 इनका क्या था, फुली लॉन्ग था। ये 35,000 लॉन्ग किए थे और 35,000 को शॉर्ट किसने किया था, और देखिए ये लॉन्ग क्या है, ये शॉर्ट किए थे। अब देखिए ये लॉन्ग क्लोज कर लिए थे यानी शॉर्ट किए थे, और ये शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लिए थे। आप देखें ये 33,000 10,000 से 33,000 यानी -33,000 इनका कहें कि क्या था, शॉर्ट हो गया था पूरा 38,000, पूरे 38,000 क्वांटिटी शॉर्ट हो गया था फ्यूचर में। और ये लॉन्ग किए थे 8,100 क्वांटिटी, और जो शॉर्ट किए थे 11,000 क्वांटिटी। यानी हमारे फ्यूचर में दोनों बड़े प्लेयर क्या थे, वो बेयरिश थे, हमारे क्लाइंट क्या थे, बुलिश थे। इसीलिए हमने बोला था कि मार्केट क्या नीचे जाएगा बिल्कुल। अब ये इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं ऑप्शन से कि क्या ऑप्शन क्या, भी डाटा वही था। ये डाटा अगर दोनों एक से मजा तो बिल्कुल मार्केट उसको रेस्पेक्ट करेगा दोस्तों, कोई उसमें संदेह नहीं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो जो शॉर्ट पोजीशन किए थे, कॉल को शॉर्ट किए थे, वो क्लोज करके क्या कॉल लॉन्ग कर लिए थे 1,88,000 क्वांटिटी। यानी पूरा अगर कॉल का आरओसी देखें तो 2,13,000 इनका क्वांटिटी क्या था, लॉन्ग था। और इनका शॉर्ट का पोजीशन मात्र क्या था, 2,16,000 से 2,30,000 इनके पोजीशन का क्लोज 3,000, यानी 12,000 क्वांटिटी उन्होंने जो पुट शॉर्ट किए थे वो क्लोज कर लिए थे। यानी फुल्ली मार्केट में हमारे क्या है, क्लाइंट बुलिश थे। एफआईआई की बात करें तो ये देखिए लॉन्ग पोजीशन अपना क्लोज कर लिए थे। आप ये देख सकते हैं कि 1,13,000 से 93,000 यानी लगभग 20,000 क्वांटिटी, इन्हों 20,000 आप देखें क्या लॉन्ग क्लोज कर लिए थे, और ये शॉर्ट क्रिएट कर दिए थे। देखें 1,92,000 से 2,06,000 यानी 14,000 क्वांटिटी, 15,000 क्या किए थे, ये शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दिए थे, पुट लॉन्ग किए थे, सॉरी पुट लॉन्ग किए थे, कॉल शॉर्ट जो है वो कॉल लॉन्ग क्लोज कर लिए थे। और अगर देखें तो देखिए 2,88,000 89,000 से सीधा 2,88,000 यानी 2,00,000 1,93,000 ये कॉल शॉर्ट किए थे, और लॉन्ग कौन किए था, आप ये देख सकते हैं कि लॉन्ग किए थे हमारे एफआईआई ये क्लाइंट ने। तो डाटा यहाँ से बिल्कुल दोनों बेरिश था, और हमारे फ्यूचर में भी जो सेल था, सॉरी कैश में भी सेल था, टोटा में यही इंडिकेशन कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। चलिए आज का हम लेवल देख लेते हैं कि आज का लेवल क्या रहेगा, फिर हम इस डाटा पर बात करेंगे। तो अभी आज का मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ, पहले निफ्टी फिर बैंक निफ्टी का, और हम फिर बात करेंगे ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या डाटा उसके साथ सेम इंडिकेशन हमें कर रहा है कि नहीं। तो अभी इस कर देखें कि अगर दोस्तों हमारा लेवल बिल्कुल मार्केट रेस्पेक्ट किया था, मार्केट में लॉन्ग हमें तभी होना है जब 16,560 यानी इस जो स्विंग को ब्रेक करता है, मार्केट जब इस स्विंग को ब्रेक करेगा तभी हमें लॉन्ग होना है। देखिए ये जो स्विंग है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हमें पूरा लॉन्ग नहीं होना है मार्केट में। यानी 16,560 के लेवल को जब ब्रेक करेगा तभी हमें लॉन्ग होना है। ऊपर का लेवल हमारा पाला आपको 630 का लेवल दिखाएगा, फिर नेक्स्ट उसके ऊपर का लेवल हमारा आपको 16,720 का और 16,800 का लेवल दिखाई देगा मार्केट में दोस्तों। तो ये हमारा लॉन्ग का लेवल है। अब देखें ये जहां से जब निकलता है मार्केट तो मार्केट यहां तक जाएगा, फिर ऊपर का लेवल हमें दिखाई देगा। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपको वन डे का लेवल है। वन डे के चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको ये लेवल निकल के आएगा। अगर नीचे हमें देखिए इस स्विंग को जब ब्रेक करता तो शॉर्ट होना है, जो भी स्विंग होगा तो मार्केट, अब देखें इस जो है इस लाइन को मार्केट पूरा रेस्पेक्ट किया था, ब्रेक किया, फिर भी यहाँ ये सॉलिडिटी वाला कि मार्केट ऊपर चला गया, फिर इसके ऊपर ही अभी है। तो मार्केट में अगर हमारा जो जो 16,450 अभी जो 498 है, 450 यानी ये स्विंग जो ब्रेक करता है मार्केट में, तो हमें शॉर्ट हो जाना नीचे की तरफ। हमारा नेक्स्ट लेवल आपको 400, इसके बाद फिर 340 का लेवल दिखाई देगा, यानी इस स्विंग को इस स्विंग के पास मार्केट एक बार आ जाएगा 340 के पास, फिर नीचे के लेवल आपको 16,260 का दिखाई देगा। ये हमारा देखें लास्ट में जो कैंडल, ये लोगों ने क्या आज एक्सपायरी था तो ब्रुक किया था प्रॉफिट। तो इस प्रकार हमारा ये प्राइस एक्शन बता रहा है दोस्तों नेक्स्ट लेवल का। चलिए हम ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या डाटा बनाया कौन से प्लेयर के द्वारा, बड़े प्लेयर, और उसको हम फिर अपने डाटा के साथ कोरिलेट करेंगे ताकि हमको मार्केट का एक जो डायरेक्शन है वो क्लियर इंडिकेशन मिल जाए। तो ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है। आप देखें कि 17,000 का टच करने का प्रोबेबिलिटी दोस्तों 23% है, जबकि 16,000 का टच करने का प्रोबेबिलिटी आप देखें कि 16,000 अभी है सबसे ज्यादा, ये 21% है। नहीं, दोनों के पास अभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मार्केट 16,498 बीच में है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने का हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखा रहा है 2%। हमारे जो है क्या है आईवी के अकॉर्डिंग, आईवी का जो प्रोबेबिलिटी है आप ये देख सकते हैं आईवी पे। आज अब देखें कि तो फ्रेश पोजिशन
59,000 यानी 60,000 फ्रेश पोजीशन कॉल के द्वारा बनाया गया और पुट के द्वारा भी लगभग उतना ही पोजीशन बनाया गया हुआ है। जस्ट मैं थोड़ा इसको इधर करके देख लेता हूँ। पुट में देखिए 44,000 यानी कॉल राइटर पोजीशन आज ज्यादा बनाए हैं। अभी देखेंगे कि कौन कॉल राइट किया है, कौन कॉल जो है बाई किया है। तो ओवरऑल आप देखें तो लगभग 94,000 पोजीशन अभी भी एटीएम के पास इधर खड़ा है और इधर 88,000 यानी लोगों पोजीशन दोनों तरफ बराबर ही है। लेकिन किसका पोजीशन हम देखेंगे कि कहाँ बनाया, एटीएम के पास देखिए 16,500 के पास 15,000 फेस पोजीशन आज हमारे कॉल राइटर के द्वारा बनाया गया। इनका पोजीशन मैक्सिमम आप देखें थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये तो हो सकता है कॉल बायर होंगे। आप इनका पोजीशन देखें यहाँ से, लेकिन ये पोजीशन शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुट राइटर देखें ये पोजीशन ये भी बनाया है लगभग 13,000 क्वांटिटी इनका फ्रेश, ये इन द मनी भी देखिए राइट किया है। इन द मनी आप देखें कि जा सकते हैं, ये इन द मनी राइट किया हुआ, लेकिन इधर इन द मनी कोई फ्रेश पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं बना है। लेकिन ये राइटर क्या है, जो पुट राइटर है इनका हैवी पोजीशन इन द मनी बना हुआ है। तो हम लास्ट में अपने डाटा पर देखेंगे कि पुट राइटिंग कौन किया है तो हमको एक मार्केट का इंडिकेशन और मिल जाएगा। लेकिन ये कोई बड़े प्लेयर द्वारा किया गया है, इन द मनी कोई भी बड़ा वो बड़ा प्लेयर ही किया गया। देखिए 16,900 के पास तक किया गया, तो हमें ये भी जो है ऑप्शन प्रोबेबिलिटी देखें जो आईवी का ये हमें इंडिकेशन वही कर रहा है। चलिए हम बैंक निफ्टी का भी इसी बार देख लेते हैं, फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या इंडिकेशन कर रहा। दोस्तों ये 10 तारीख का डाटा है, अभी हम इसको रिफ्रेश करता हूँ बैंक निफ्टी का, तो अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का पूरा डाटा आ जाएगा, फिर हम उसको अपने प्राइस एक्शन पे भी देखेंगे बैंक निफ्टी का डाटा। देखिए बैंक निफ्टी में हमें 36,000 जो है वो टच करने का प्रोबेबिलिटी 29% है, और 33,000 जहां सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसका प्रॉब्लम मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, अभी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ ज्यादा दिखा रहा है। 34,900 चल रहा है, 36,000 यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मार्केट में। 37,000 आज फ्रेश पोजिशन बनाया गया है कॉल राइटर के द्वारा, पुट राइटर द्वारा 40,000 पोजीशन बनाया गया, लेकिन इनका पोजीशन कहाँ बनाया गया एटीएम के पास उस चीज को हम देखेंगे। यानी पुट राइटर अभी पोजीशन इनका हैवी है, आज जो भी देखिए जिसने भी राइटिंग किया था उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ये दोस्तों नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर हम एटीएम के पास देखें कि क्या पोजीशन बनाया गया है, तो आप ये 34,900 के पास देखें तो यहाँ पे जो राइटिंग किया गया है 35,000 के पास, देखिए ये पुट राइटिंग किया गया है, ये जो पोजीशन इन द मनी किया गया है सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं पोजीशन इनके पास ये 35,000 पे हमारे कॉल राइटर की पोजीशन है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 22,000 इनका है, आज फेस पोजीशन ज्यादा बनाया गया है इसके द्वारा, ये 25,000 है, यानी ये क्या इन द मनी राइटिंग किया गया है। जबकि आप 34,000 के नीचे देखें तो कॉल की तरफ कोई राइटिंग नहीं है, कॉल की तरफ यहाँ राइटिंग देखें ये कोई बिल्कुल राइटिंग नहीं है। इनका पोजीशन देखें ये ऊपर की तरफ, यानी ये बायर है, ये जो है क्या है कॉल बायर है, जबकि ये क्या है पुट राइटर। आप ये चीजें देख सकते हैं कि पुट राइटर, क्योंकि इन द मनी कोई अगर राइटिंग करेगा तो उसको हैवी प्रीमियम मिलेगा, ये जो भी बड़े प्लेयर होते हैं इन द मनी राइटिंग करते हैं। तो मार्केट में डाटा हम यहाँ से बुलिश इंडिकेशन कर रहा है, आप ये चीजें देख सकते हैं कि इनका प्राइस पोजीशन ऊपर की तरफ जाना है, 36,000 के पास बैंक किया गया दोस्तों, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का हमें संभावना लग रहा है। चलिए हम इसका प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन हमें कैसे ट्रेड करना है। प्राइस एक्शन आप देखें कि जो इसमें BWMA और 10EMA का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज देता है, इसके ऊपर आप देखें जब क्लोज होता है 35,000 के पास, यानी आपको जो लॉन्ग होना है कब होना है, जस्ट एक मिनट आपको, हाँ जो 35,040 के ऊपर जब चलेगा तभी हमें लॉन्ग होना दोस्तों, ये जो लेवल है 35,040 इसके ऊपर जब निकलता है तभी हमको क्लोज 944 है लॉन्ग होना है, और ऊपर का लेवल हमारा रहेगा आपको 35,300 का, 35,500 का और 35,700 का। आप देखिए कि 35,500 पे क्या है कॉल को बाई किया गया है, आप ये चीज देख सकते हैं कि 35,500 पे कॉल बाइंग किया गया है जबकि राइटिंग नीचे की तरफ किया है। और अगर 34,800 के लेवल को ब्रेक करता है, 34,800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें शॉर्ट हो जाना है 34,400 का, और 34,340 का लेवल दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में, इस लेवल पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ठीक ठाक मुनाफा होगा, मुनाफा इसके बाद ये लेवल रहेगा, लेवल के ऊपर ट्रेड करना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो हमारा ये लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, लास्ट में देखें ये जो आपको 34,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसके ऊपर से ही घूम गए, इस बार भी मार्केट यही, अभी देखना है कि क्या इसके नीचे आता है कि नहीं। लास्ट में देखें जो सेलिंग का वॉल्यूम 15 मिनट के चार्ट पे, ये तो प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो स्टोकेस्टिक RSI है वो हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में, क्या दिखा रहा है कि अभी यहाँ से स्ट्रेंथ आना शुरू हो गया। देखिए यहाँ क्या था, मार्केट पूरा न्यूट्रल था लेकिन यहाँ से स्ट्रेंथ शुरू हो गया है। चलिए हम डाटा की बात करते हैं कि डाटा हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है। तो आप ये देखें कि कैश में दोस्तों आज ने FII ने बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में सेल किया, लगभग 6,500 करोड़ का सेल किया है, जबकि DII ने लगभग क्या उसको मार्केट को संभालने की कोशिश किया, 4,500 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है लेकिन वो मार्केट को संभाल नहीं पाए। अगर हम अभी आज का डाटा रिकॉर्ड करते हैं आपके सामने, फिर हम देखते हैं कि डाटा क्या हमें इंडिकेशन कर रहा है। तो अभी देखिए 3 का डाटा आ गया है, 3 के डाटा में आप देखें कि आज जो ये लॉन्ग पोजीशन किए थे इनका पूरा क्वांटिटी देखिए क्लोज होकर शॉर्ट में हो गया,
आप देख सकते हैं कि 1,88,000 क्वांटिटी था पूरा, ये क्लोज हो गया। एक्चुअली एक्सपायरी भी था तो मैक्सिमम पोजीशन क्लोज होना था, और ये क्या किए हैं, ये पुट को शॉर्ट कर दिए हैं, यानी कॉल शॉर्ट भी किए हैं पुट शॉर्ट करें, लेकिन पुट शॉर्ट का इनका क्वांटिटी ज्यादा है दोस्तों। आप देखें कि 1,00,000 क्या है, 1,19,000 ये कॉल लॉन्ग जो किए थे वो क्लोज कर लिए हैं और पुट शॉर्ट कर दिए। इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से अभी मैंने ऊपर जाना चाहिए। ये पोजिशन आज हम अभी इसको नहीं मानेंगे, फ्रेश डाटा क्या है कि अभी आज क्लोज किया गया है, लेकिन ये देखिए कॉल लॉन्ग किया गया हमारे जो है FII के द्वारा, कॉल लॉन्ग आज किया गया फ्रेश 93,000 से इनका क्या 1,23,000, 30,000 इन्होंने कॉल लॉन्ग किया, और ये पुट भी लॉन्ग किए हैं 2,06,000 से 2,37,000, यानी दोनों तरफ इनका जो है लगभग बराबर बराबर क्वांटिटी है 2,02,000 है। तो इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से कहीं भी जा सकता है। अब हम दूसरा बड़ा प्लेयर देखते हैं कि ये जो कॉल लॉन्ग किए थे, ये देखिए अपना पोजिशन क्लोज कर लिए 2,82,000 से इनका मात्र 86,000 रह गया है, और ये जो पुट शॉर्ट किए थे ये दोस्तों आप देखें कि इनका क्वांटिटी क्या है, पुट लॉन्ग में हो गया है। आप देखते हैं 41,000 से सीधा 41,000 हो गया, यानी 1,96,000 इन्होंने क्या क्वांटिटी क्लोज कर दिया है कॉल लॉन्ग का, और 84,000 क्या है पुट लॉन्ग कर दिया। इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जबकि यहाँ जो हमारे बड़े प्लेयर FII हैं, ये दोनों मार्केट में क्या है, इनको न्यूट्रल है, क्या है ये हमारे आपको ऑप्शन का डाटा है, ऑप्शन में ये है। अगर हम फ्यूचर के डाटा को देखें तो फ्यूचर में हमको क्या इंडिकेशन मर रहा है इसको हम देखते हैं। यानी फ्यूचर में आप ये देखें तो जो हमारे एक क्लाइंट हैं, इनका पोजीशन आप देख सकते हैं कि जो 74,000 से मात्र 19,000 रह गया, यानी इन्होंने क्लोज कर लिया पूरे, लेकिन आप ये देखें कि दोनों तरफ से इनका पोजीशन क्लोज है 14,000 इन्होंने क्या नेट ROC रहा है, यानी नेट अभी भी लॉन्ग इनका 14,000 क्वांटिटी बचा हुआ है। 19,000 देखें इनका लॉन्ग है और 4,000 शॉर्ट है, तो यहाँ क्या है ये लॉन्ग है यहाँ से। और हम अगर FII की बात करें तो FII देखें इनका नेट अभी लॉन्ग 4,700 क्वांटिटी है, शॉर्ट इनका 13,000 क्वांटिटी है, यानी ये क्या है मार्केट में अभी भी बेरिस हैं। और जो हमारे प्रोप्राइटी हैं इनका भी मार्केट में लगभग क्वांटिटी लॉन्ग का ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ से इनका डाटा अभी जो हमारे यही इंडिकेशन कर रहा है कि बड़े प्लेयर हैं मार्केट में अभी बेरिस हैं, इनको ही नहीं लगता कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने पोजीशन आज बहुत ज़्यादा नहीं बना रखा है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन चेन वो इंडिकेशन यही कर रहा है कि मार्केट में डाटा यहाँ से बुलिश है। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा और कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी वो बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। दोस्तों बेल नोटिफिकेशन आप बिल्कुल क्लिक करके रखें ताकि वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। अगर एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बना गया, इस वीडियो के आधार पर कोई बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट न करें। बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें और उन्हीं के सलाह पे बाय सेल या होल्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ आपका दिन प्रॉफिटेबल हूँ।